गौ तस्करी के मामले में सहजनवा पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पकड़े गए आरोपियों में सहजनवा थाना क्षेत्र के निवासी रहमत अली, लाड़ थाना क्षेत्र के निवासी रविंद्र यादव और लाड़ थाना क्षेत्र के ही निवासी प्रदीप प्रसाद शामिल है। तीनों आरोपियों के पास से 3 गाय, 3 बच्चिया और 1 पिकअप 4 पहिया वाहन बरामद किया गया है। पकड़े गए आरोपियों के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। मामले का खुलासा करते हुए अधीक्षक उत्तरी रोहित सिंह सहवाण ने बताया, ट्रक मालिक कौन है उसका, पिकअप वाला यादव है सर, उसमें तो लगी तुम दूसरा कौन है, ये कौन है, रहमत अली, ये मालिक है, रहमत अली कौन है, नाम बताइए। अरे कहाँ तुम इनको लेके जाते थे बताओ, सब इधर ही आ जाओ ना, इधर ही हो जाओ ना, सब सामने आ जाओ उनके में। कहाँ लेके जाते थे लाल देवरिया के, लाल देवरिया के उधर मौका देके बिहार ले जाते सर। कहाँ लेके आते थे बताओ सर। और ये बंद कर दिए थे उसको, मेला में ले जाने का कोई चांस नहीं था, बंद करके मेला में कोई नहीं लेता 5 किलोमीटर। कहाँ पड़ेगा वो मेला वाली नहीं है सर, चूँकि बंद थी। तो क्या तुम चोरी कहाँ से करके ले गए इनको? साहिवाल गांव का रेट नहीं पता है, ये 3,000 बता रहे हैं, 3,000 में साहिवाल गांव है, साहिवाल गांव है। जो भी रात को 3 बजे का मतलब क्या बछिया है और गाय है उसमें, वो 3,000-2,500 बता रहे हैं। रात को 3 बजे वो करने का उद्देश्य क्या है? थाना सहजनवा में कल देर रात्रि को 3 लोग जो गांव मेहराबारी है वहां से और आसपास के गांव से जो गौवंशीय पशु हैं उनको चोरी करके उनको मारने के उद्देश्य से लेके जा रहे थे। इसमें थाना सहजनवा के द्वारा मौके पर जो 3 अभियुक्तों को पकड़ा गया और उनके पास से कुल 6 गौवंशीय पशु बरामद हुए हैं जो अभी सुपुर्द कर दिए गए हैं और इनके ऊपर गौवध अधिनियम के तहत और पशु क्रूरता अधिनियम और चोरी का मुकदमा इसमें पंजीकृत किया गया और तीनों को ही इसमें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इनसे जो पिकअप गाड़ी जिसके माध्यम से इसको कैरी कर रहे थे वो भी बरामद हुई है और तीनों को ही आज गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। इसमें जो इनका मुख्य गौवंशीय पशुओं से रिलेटेड तस्करी करना और उनको बेच देना इनका मुख्य काम है, तो उनसे और भी पूछताछ अभी की गई है और की जा रही है और फिर इनको पूछताछ के दौरान इसमें जो भी अन्य अगर मुकदमे कोई पहले के इनके आते हैं मामले आते हैं तो उसमें भी धाराओं को वृद्धि करके इनको भेजा जाएगा।